आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंट है जो कि इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है टेंस का तो आप देख सकते हैं, टेंस के में आपको कोई प्रॉब्लम हो प्रेजेंट पास्ट में तो आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी पढ़ते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगी कि फ्यूचर टेंस हम किसे कहते हैं। तो इट शोज द एक्शन ऑफ फ्यूचर इन अ सेंटेंस, इट शो द एक्शन ऑफ फ्यूचर इन अ सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो फ्यूचर में एक्शन दिखा, जो कि हम कोई भी काम फ्यूचर में करेंगे, कोई भी कार्य जो कि फ्यूचर में किया जाएगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। इसकी आईडी क्या होगी, भर प्लस गा गे गी, यानी कि गा करेंगे करेगा करेगी ऐसा कुछ, गा गे गी रहेगा, भर प्लस गा गे गी, तो हम क्या समझेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है, यानी फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पर हम सारे एग्जाम्पल बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कि सेल कहाँ यूज़ करेंगे, विल का यूज़ कहाँ करेंगे। सेल का यूज़ हम करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी कि आई और वी के साथ, और विल का यूज़ करेंगे हम आई और वी के साथ भी, हम विल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़ोरदार बनाने के लिए, जब किसी सेंटेंस को एकदम कन्फर्म बनाना हो, ज़ोरदार बनाना हो, तब हम विल का यूज़ कर सकते हैं आई और वी के साथ। नहीं तो इसको इसका मोस्टली यूज़ होगा यू दे ही सी इट नेम के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगी। मैं जाऊँगा, जाऊँगा फ्यूचर में, तो मैं जाऊँगा आई के साथ, मैं का आई, आई के साथ क्या लगेगा सेल, तो आई सेल जाना का गो, आई सेल गो मैं जाऊँगा। मैं खाऊँगा, आई सेल इट मैं खाऊँगा। वह पढ़ाएगा, वह पढ़ाएगा, वह का ही के साथ लगेगा विल, तो ही विल टीच वह पढ़ाएगा। ऐसे ही आपको बनाने हैं बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर, ताकि आपको फ्यूचर का सेंटेंस अच्छे से आ जाए बनाने के लिए। चलिए इसके नेगेटिव भी बना लेते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटर नेगेटिव, डब्ल्यू एच अफर्मेटिव एंड डब्ल्यू एच नेगेटिव, सारे सेंटेंसेज आपको बनाने हैं, एक एक करके मैं बताऊँगी आपको। तो नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर पहले जानिए। इसमें भी बस आपको नॉट लगा देना है, यानी कि इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हो जाएगी, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तो आई सेल नॉट इट, सिर्फ इसमें नॉट आपको लगाना है, आई सेल नॉट इट मैं नहीं खाऊंगा तो बना लेना है, बस इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें सेल और विल, उसको आगे लगा देंगे। इसमें आपको देखना है फ्रेंड्स कि इसमें जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसे हम आगे पहले यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या तुम खाओगे, तुम के साथ यानी तुम का यू, यू के साथ क्या लगेगा विल, तो विल को हम पहले यूज़ करेंगे। विल यू ईट और क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं भूलना है। विल यू ईट, क्या तुम खाओगे। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोनेगेटिव भी ऐसे ही बना लेंगे। इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह नहीं जाएगा, क्या वह नहीं जाएगा, तो विल ही नॉट गो क्वेश्चन मार्क, क्या वह नहीं जाएगा। ऐसे ही आपको डब्ल्यू एच बनाने हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है अगर आपको अच्छे से जानना हो, डब्ल्यू एच फैमिली, तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली किसे कहते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन यानी कि व्हाट व्हेन वेयर व्हाई एटीसी। इसका आप पहले स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, डब्ल्यू एच प्लस क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट, सॉरी डब्ल्यू एच प्लस क्वेश्चन प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, तुम क्यों खाओगे, तुम क्यों खाओगे क्वेश्चन मार्क, क्यों यानी वाई, वाई तो वाई विल यू ईट क्वेश्चन मार्क, तुम क्यों खाओगे, वाई विल यू ईट। नेगेटिव भी ऐसे बना लेंगे,
तुम क्यों नहीं खाओगे, स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ इसमें नॉट लगा देना है, तुम क्यों नहीं खाओगे, वाई विल यू नॉट इट क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आपको सारे सेंटेंसेस को बनाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटर नेगेटिव, WH अफर्मेटिव एंड WH नेगेटिव, सारा को आपको ऐसे ही बनाना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और ग्रामर से रिलेटेड, स्पोकन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल पे बने रहिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिलता ही रहेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। टेंथ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, अगर टेंथ का नोट चाहिए हो तो नोट का भी मैं लिंक दे दूँगी, आप जाकर और नोट डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।